भाई आधा दिन तो जो है निकल चुका है अभी, अभी क्या करनी है, बाइक बाइक की स्कूटी बाइक नहीं तो भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, बुलेट से आता तो लेक तो अच्छी है भाई, लेकिन मतलब कुछ खास नहीं है अब, क्यों खाने पीने के अलावा पानी है और क्या, वही फील ले रहे हैं सब लोग। तैरने जा सकते हैं, जा तैर के दिखाइए जरा एक बार, जा ठीक है, पानी भी इतना साफ नहीं है यार। ओके ओके यार, यहाँ पे ना भाई वो भी है, एक बहुत अच्छा गार्डन है जिसका नाम है क्या, सहेलियों की बाड़ी, जिनको रॉयल लेडीज़ के लिए बनाया गया था। रॉयल लेडीज़ ना मेड्स को कहते थे पुराने ज़माने में, जो प्रिंसेस के साथ आती थी ना 40-50 की संख्या में, हमने देखी होगी मूवीज में। तो यहाँ के जो राजा थे ना, महाराज संग्राम सिंह, तो उनके साथ जो रानी आई थी और उनकी रानियों के साथ जो 30-40 जो लड़कियाँ आई थी ना, जिनको रॉयल लेडीज़ कहा जाता है, उनका बाग भी गार्डन भी यहीं पर आसपास में। चलिए वहीं चल लेते हैं यार, मतलब यहाँ तो कुछ खास है नहीं, सहेलियों की बाड़ी देख लेते हैं। कहा जाता है ऐसा काफ़ी अच्छा है, फाउंटेन शोज होते हैं वहाँ पे, एंड आई थिंक उसकी टिकट भी 10 रुपये है। चलो सहेलियों की बाड़ी ले चलते हैं दोस्तों आपको। ₹40 क्या? ओके है तो वैसे नॉर्मल सा ही गार्डन, लेकिन सजा दिया गया है तो इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। फाउंटेन है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, देखो ना कितनी ग्रीनरी आई है। केरला वाला फीलिंग आ रहा है, देख कितना अच्छा लग रहा है ना। यार कुछ खास था नहीं है सहेलियों की बाड़ी, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यार, 20 रुपये की टिकट देखे मतलब ओके था यार, मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था। वैसे मैं सोच रहा था ना आप लोगों को मैं वो दिखा देता, भारत के राज्यों की अलग अलग कल्चर की एक छोटी सी झलक, वो भी उदयपुर शहर जो नेक्स्ट प्लेस में अभी आपको ले जाऊँगा वहाँ देखते हैं। इस जगह का नाम क्या था जहाँ हम गए थे? ये सहेलियों की बाड़ी था यार। ये सहेलियों की बाड़ी ऐसी जगह है अगर जहाँ तुम्हें कोई पैसे दे फिर जाने को बोले तब एक पल को कंसिडर कर लेना, कंसिडरिंग कि वो अमाउंट 5 फिगर से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके अलावा ये जगह वर्थ नहीं है बिल्कुल भी आने की। हाँ यार मतलब ठीक है यार, टाइम पास के लिए कपल ही अंदर लगे हैं, और क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार, एकदम नया कुछ देखने लायक। गार्डन पानी तो भाई सब अपनी अपनी सिटीज में भी देख लेते हो यार। ओके हाँ बिल्कुल नहीं आ रहा है ना। अबे भाई ये भी पास है, अच्छा सागर लेके काफ़ी है। आई थिंक आ गया शिलग्राम, शिलग्राम ये रहा है। यहाँ पे भी म्यूजियम भाई, पहले ये ना 150 रुपये की टिकट थी, अभी कम कर दिया उन्होंने। शिल्पग्राम बहुत कम फेमस है, लेकिन उदयपुर में इसे ज़रूर देखना चाहिए। फतेह सागर झील के पास ये जगह भारत के अलग अलग गांवों के पुनर्रचना को दर्शाता है और उन्हीं गांव के लोग यहीं पर रहते हैं। रखेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। ओके अच्छा, ये सारे हैंड पेंटेड ये बना रहे, नेल पे आर्टिस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा कितनी बारीकी से काम किया है ना। हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये जो है ना ये
ये गुड लक है, ये पावर है, ये लव है फ्रॉम जयपुर उदयपुर जैसलमेर बिगर थिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड नाइट। अरे वाह, ऑन फैब्रिक है ये, आपको जो है 250 में पेंटिंग मिल रहा है, ये हैंड पेंटेड। यही मैंने उदयपुर में पता किया था। हाँ, 900 रुपए का है। हाँ, ज्यादा रहता है उधर। बाय द वे मैं आप लोगों को इनका नंबर दे दे रहा हूँ, अफिलियेटेड है गवर्नमेंट से, तो आप इनसे आके यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये लोकल लोग अपने संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए सुंदर सुंदर गाना बजाना भी करते हैं। यहाँ बहुत सारे कलाकार रहते हैं जो मिट्टी के बर्तन, सिलाई बुनाई, पेंटिंग, पत्थर का काम, आभूषण बनाने का काम करते हैं। कीमतें उचित हैं और मुनाफा सीधे कारीगरों को ही मिलता है, तो इस प्लेस को जरूर विजिट करें। शिल्पग्राम होने के बाद अभी टाइम कितना हो रहा है, सनसेट देखने का मजा आएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ उदयपुर में सबसे अच्छी सनसेट कहाँ होती है जगह बताई थी। चलो देखते हैं। मॉनसून फोर्ट, अरे मैंने पढ़ा भी था इसके बारे में। तितली आगे लग जा रही है बार बार घूमे। चलो सनसेट देखा जाए। हाँ, तो ये वाला लड्डू मीठा है ना, ये तो ये बाटी है और दाल चूरमे का लड्डू ले लो, कटोरी ले। सुबह शाम आजकल वो चल रही है दाल बाटी चूरमा, राजस्थान आए हैं फुल इज्जत से दाल बाटी चूरमा ही खा के जाएंगे। दाल गरम है भाई। सज्जनगढ़ पैलेस जो है, लाइन लगी हुई थी तो हमने सोचा कुछ खा लें और यहाँ आए खाया दाल बाटी चूरमा, जो अभी आप लोगों ने देखा बहुत ही अमेजिंग था। 325 रुपये में पेट भर गया दोनों का। ये है यहाँ का टिकट प्राइस 155 रुपीस पर पर्सन प्लस 60 रुपीस टू व्हीलर का चार्ज। सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस, फॉर ऑब्वियस रीजन यहाँ पे मॉनसून में आया जाता है बिकॉज ऑफ अमेजिंग व्यू फ्रॉम हेयर, द व्यू ऑफ एरावली माउंटेन रेंज, उदयपुर सिटी विद इट्स लेक एंड सराउंडिंग फॉरेस्ट इज सिंपली ऑसम। I would recommend you to come in evening hours for better view and you can enjoy the sunset as well. किसी टाइम के लिए तो यार आके यहाँ खर्चा किया इतना, शो में है अभी टाइम आधा पौन घंटे का, 7 बजे का शो है, अब तक बैठ के भुट्टे खा लेते हैं। भुट्टे वहाँ अच्छा है, पर बॉल करके दी उसने, दिस सो गुड। और सामने का एनवायरनमेंट तो यार, नज़ारा तो पूछो मत। देखो ये कबूतर वगैरह कैसे खाना ना खा रहे हैं, लोगों की चहल पहल हो रही है। दिस लुक सो गुड। उनका यहीं से आए थे ना वो तैर के? तैर के नहीं भाई, अरे नाम भाई यहीं से आगे, यहीं से मुड़ के रहे थे आगे पूरा फर्जी का जग मंदिर था। आए का 500 रुपये दिया भाई, कस्टमर बढ़ा दिया उन्होंने अपने। चलो असली चीज़ दिखाएंगे अभी आप लोगों को। बाय द वे ये जगह का नाम गनगोर घाट है और शाम के टाइम में बहुत अच्छा सजता है, इसके अपोजिट साइड में बहुत अच्छा लगता है। अभी आप उदयपुर आए तो यहाँ पे एक शाम ज़रूर बिताओ यार। इसके बाजू में हमारी प्लेस है जहाँ पे हमको जाना है अभी। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ स्वागत का लोकगीत केसरिया वाला मावा ने पधारो मारे थे। Oh,
तो तीसरे दिन की शुरुआत हमने की इस 400 साल पुराने मंदिर में आके, जो इस पहाड़ पे अडिग ऐसे ही डटा हुआ है। पैदल और स्कूटर से घूम घूम के थक गए थे, तो सोचा क्यों ना रोपवे ले लिया जाए। निकल गई, टाटा बाय बाय। ये बढ़िया भाई। भाई एक बात है, जो कभी बैठा नहीं होगा ना, फटेगी भी उतनी, डर भी इतना लगेगा, नीचे ना गिर जाएगा। 150 की टिकट लेकर मैं जब परिसर पहुंचा, तो यहां से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया उदयपुर शहर का। गाइस ऑनेस्टली बहुत ही अमेजिंग है। और उदयपुर रेलवे स्टेशन, हाँ वहीं से आए थे ना। उदयपुर कहने को छोटा शहर है, पर है बहुत बड़ा शहर। ऐसा कहा जाता है कि माता के दर्शन से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, एंड आई विश आप सबकी भी पूरी हो। अच्छा एक चीज है बाबा, अपने कल्चर में जो मंदिर का जो टॉप रहता है वो बहुत मतलब ग्रेशियस बनाते हैं, क्यों एकदम? दो बातें हैं, सबसे पहला ये ट्रायंगुलर बनाते हैं, कुछ एनर्जीज पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं सारी टेंपल मॉस हर किसी के ऊपर। और ये सब नॉलेज तेरे को कैसे पता भाई? आई ड्रिंक एंड आई नो स्टफ। और दूसरा रीज़न ये है, इन्हें इस हाइट पे इसलिए ले जाते हैं ताकि टेंपल बिना फैन के भी ठंडा रह सके। आई डोंट नो हाउ द लॉजिक वर्क्स बट इट डज। कूल। Phantom 2 भाई साहब, ये घोस्ट होस्ट वाली की सीरीज है ना। Phantom 2 भाई इतनी प्यारी कार है ना आप लोग, यार मतलब ये देखो आप, इतनी बड़ी है ये कार। आई मीन अमेजिंग यार भाई, ये ना लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियों में से एक थी उस टाइम पे, और आज तो खैर इसके टेक्नोलॉजी की वजह से इतना। रिसेंटली रोल्स रॉयस ने एक कार लॉन्च की है चेरी क्रिम्सन कलर में, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव कार में से आती है। जो भी इंडिया वाले खरीद लेंगे आराम से, बट बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है यार। इस व्लॉग को खत्म करने से पहले थैंक्स टू एवरीवन जिसने हमें इस जर्नी में सपोर्ट किया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल टू जॉइन अस ऑन आवर नेक्स्ट एडवेंचर। वेल उदयपुर को गुड बाय कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, ट्रैवल विद एन ओपन हार्ट एंड यू विल ऑलवेज रिटर्न विद अ बैग फुल ऑफ मेमोरीज। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।